गुड मॉर्निंग गर्ल्स, मैं एचएस मेहता वेटलैंड सेक्टर 91 से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वेटलैंड यानी नोएडा का लंग्स जाने वाला नियर बाय बायोडाइवर्सिटी सिटी फॉरेस्ट और हर्बल मेडिसिनल पार्क के नियर बाय स्थित है। यह नोएडा के अच्छी जगह में काउंट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुतायत से है। यद्यपि नोएडा में ग्रीनरी का परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन सेक्टर 91 अपने में एक आले दर्जे का सेक्टर है, जहाँ पे कि लंग ऑफ द नोएडा के नाम से जाना कहा जा सकता है। इसके सबसे नियर बाय सिटी फॉरेस्ट जो कि 35 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो कि बायोडाइवर्सिटी से लगा हुआ सेक्टर 93 से लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं फॉरेस्ट। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी पार्क आ गया है, जो कि 75 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे, बहुत ही विस्तृत और ब्यूटीफुल है। और इसके पास में ही एक वेटलैंड डेवलप किया गया है, जो कि शहीद भगत सिंह मार्ग के मार्ग सेक्टर 137 से अलग करता है, यानी सेक्टर 137 से लगा हुआ यह मेट्रो स्टेशन 137 के नियर बाय है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह मार्ग की सड़क है, जो कि एक्सप्रेसवे की तरफ जारी है। और इसके साथ ही यह डॉग पार्क भी नीट है, और सामने सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन, और यह है सेक्टर 91 का वेटलैंड, जो कि 12 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि इनिशियली यह सिर्फ एक तालाब के रूप में था, जो कि अब नोएडा अथॉरिटी ने इस पे बहुत ही अच्छा खासा बना दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पे ये इसकी बाउंड्री बनी हुई है, और पैरेलल में मेट्रो निकल रही है। जैसा कि आप व्यू दे रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें बड़े 3 तालाब बनाए गए हैं, जिनके ऊपर से ब्रिज का निर्माण यानी सेतु बनाए हैं, जिसका विहंगम दृश्य आप जाके वहाँ देख सकते हैं। यह नोएडा का एक बेहतर प्रोजेक्ट है, इस पे इसको गवर्नमेंट की तरफ से 2019 में बेस्ट अवार्ड भी दिया गया है। आप ये इस पे साइक्लिस्ट के जाने के लिए ये मार्ग भी है, और ये सामने का व्यू एंट्रेंस गेट के सामने, और यह बेहतरीन तालाब साइड में दोनों तरफ पगडंडियाँ, जो कि वॉकिंग आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा मेडिसिनल यानी हर्बल पार्क भी है, जो इस सेतु से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर से आप हर्बल पार्क की तरफ जा सकते हैं, और यहाँ पे सोलर ट्री के माध्यम से लाइट का अरेंजमेंट किया गया है, यानी 3 जगह पे यह ट्री सोलर ट्री बनाए गए हैं, और जिसके माध्यम से पूरी रात प्रकाश प्रज्वलित रहता है। यह आपको हर्बल पार्क यानी मेडिसिनल पार्क का व्यू है सामने, यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ
गांधी जी चौक यानी फेरेस्को चौक के नाम से जाना जाता है। यह जनपथ रोड है, जनपथ रोड से के बीच में यह चौक गांधी जी को समर्पित है। इसके साथ ही एक बेहतरीन डॉग पार्क का जो कि 4 एकड़ में डेवलप किया गया है। यह 2018-15 अगस्त की फोटोग्राफ्स हैं। आज यह इस रूप में विकसित होकर यह डॉग पार्क के रूप में जाना जाता है, यानी नीम के पेड़ और जामुन के पेड़ इसमें बहुत आज से हैं। और इसी से लगाव सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन से एक ग्रीन बेल्ट जो कि लगभग 13 एकड़ में फैली हुई है, जो कि सेक्टर वासियों यानी नोएडा के लिए एक बेहतरीन नायाब ऑक्सीजन का माध्यम है। और इन दो सेक्टरों में 91 और 137 सेक्टर में लगभग टेम्परेचर गर्मियों में 3-4 डिग्री कम रहता है। आप मॉर्निंग में बायोडाइवर्सिटी या हर्बल पार्क में जाने से लगभग मॉर्निंग टाइम पे 3-4 डिग्री का टेम्परेचर रिलैक्सेशन है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, सब बखैर।